दोस्तों आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि पौधों में लगने वाला रोग मिलीबग के बारे में, जिसके प्रभाव से पौधे काफी ज्यादा वृद्धि नहीं कर पाते हैं, जिसको आप देसी जुगाड़ तरीके से मात्र 5-6 रुपए में खर्च से आप उसको दूर कर सकते हैं। तो स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलते जानते हैं ये रोग किस प्रकार से दिखाई देता है। आप इसकी पहचान अच्छे तरीके से कर लीजिए। यह रोग कुछ इस प्रकार से पौधों को ग्रसित कर देता है, जो सफेद सफेद कीड़े इसके अंदर पाए जाते हैं। इस रोग के प्रभाव से पौधे अधिक वृद्धि नहीं कर पाते हैं। जहाँ ये रोग लगता है वहाँ पर चींटियाँ बहुत अधिक मात्रा में लग जाती हैं, जिनके प्रभाव से दोनों के प्रभाव को मिलाकर पौधा पूरी तरह नष्ट रहता है। दोस्तों यह रोग गुड़हल में बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है, तथा साथ में ये अमरूद के पेड़ में, आम के पेड़ में और भिंडी में भी लग जाता है। दोस्तों इससे पौधे वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इसके निदान के लिए हम आपको कुछ देसी जुगाड़ बताएंगे, जो बहुत ही आसान तरीके से आप इस उपचार के माध्यम से दूर कर पाएंगे इस रोग। दोस्तों मिलीबग का प्रभाव जनवरी से लेकर लगभग जून के अंतिम सप्ताह तक बहुत ज्यादा रहता है। ये पौधों को पूरी तरह इतने अंतराल में पूरी तरह नष्ट कर देता है। मित्रों इसको दूर करने के लिए हम आपको आगे उपचार बताने जा रहे हैं। यूनिवर्स से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे दूसरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। दोस्तों मिलीबग को दूर करने के लिए आप आधा लीटर पानी में थोड़ा से 4 बूंद मिट्टी का तेल उसमें डाल दीजिए, तथा और उसमें सर्फेक्सल या किसी भी प्रकार का निर्मा थोड़ा मात्रा में डाल दीजिए और उसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए। दोस्तों फिर उसके बाद उस स्थान पर उसको प्रेशर से छिड़काव कीजिए। दोस्तों आप देखेंगे कि 3-4 बार आपको छिड़कने के बाद मिलीबग की समस्या पूरी तरह एकदम देसी तरीके से दूर हो जाएगी। मित्रों तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।